हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम सभी सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ X8 और आज के इस वीडियो में बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड बार के अंदर उपस्थित सभी ऑप्शंस के बारे में। तो इन सभी ऑप्शंस को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बार बार इन ऑप्शंस का यूज़ होता है। तो इन सभी ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोरल ड्रॉ पे और समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बार है और इसके अंदर उपस्थित सभी ऑप्शंस के बारे में हम वन बाई वन करके समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ऑप्शंस है जो हाईलाइट नहीं हो रहा है। वो हाईलाइट इस वजह से नहीं हो रहा है कि अभी जो है ये फाइल जो ओपन है बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इस पर हमने कोई भी ड्राइंग्स वगैरह नहीं बनाई है। जब किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइंग या कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस पर बना लेंगे तो ये सारे के सारे वर्क करने के लिए ये सारे के सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे। सिर्फ हमने ड्रॉ इसको इसलिए किया कि हम इन ऑप्शंस को समझ सकें। तो यहाँ पर हम वन बाई वन करके समझेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट की आप देख पा रहे हैं कंट्रोल प्लस एन है। तो जब भी हमें एक न्यू फाइल ओपन करना होगा तो हम इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, यानी इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर फाइल मेनू के अंदर भी मिल जाएगा और कंट्रोल प्लस एन से भी वो मिल जाएगा। और इन सभी से, तीनों से जो है यही डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा जहाँ से आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद आप ये ओपन का डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। ये जो है ओपन आपको फाइल मेनू में भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्लिक करके भी, यानी कि जैसे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन के लिए डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा आपके सामने इस तरीके से। और यहाँ पर जिस भी ड्राइव में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यानी कि कोरल ड्रॉ में बनी हुई फाइल जो भी रखी हुई है, आप इस कोरल ड्रॉ के अंदर जो है ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ओपन पर आएंगे और इस पर आने के लिए आप यहां से भी इस बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। और फाइल मेनू में जाने के बाद आप यहां से भी ओपन को प्रेस कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करेंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स खुल करके आपके सामने आएगा। तो आप इस तरीके से एक्चुअली किसी भी ऑप्शन को ओपन करने के लिए दो तीन जगह से ऑप्शन मिलता है ताकि आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आपका हाथ, आपका माइंड जिस पर सेट होता है जल्दी वर्क करने के लिए, फटाफट वर्क करने के लिए, आप वो ऑप्शन को यूज़ करें। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और एक और बात कि ओपन में आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रॉल डाउन बटन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिसेंटली यूज़ की गई, ओपन की गई, जिस पर वर्क आपने किया हुआ है वो फाइल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आप यहाँ से भी वो फाइल डायरेक्ट जो है आप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं सेव की बटन है। सेव करने के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट पर वर्क किया आपको उसे सेव करने की ज़रूरत है। तो आप जो है फाइल मेनू में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है सेव और सेव एस। तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से ये बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे या फिर फाइल मेनू से आएंगे तो डायरेक्ट आपकी ड्राइंग को सेव करने के लिए ये ऑप्शन खुल करके आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ से जो है किसी भी ड्राइव में जा करके, किसी भी फोल्डर में जा करके या फिर फोल्डर जनरेट करके आप जो है उस फाइल को अपने हिसाब से आप सेव कर सकते हैं। और यही चीज़, यही डायलॉग बॉक्स आपको कंट्रोल यस से भी आएगा इस तरीके से। और उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आप फाइल मेनू में यहाँ पर सेव देख पा रहे हैं और उसके नीचे सेव एस है। अब इसमें क्या होगा, इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस है। आप जब इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बिल्कुल खुल करके आपके सामने आएगा। तो एक्चुअली इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो ड्राइंग आपने जो भी कुछ बनाया उसको जब आप फर्स्ट टाइम में सेव करेंगे तो कंट्रोल यस यानी ओनली सेव पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उस पर आपने कुछ और वर्क किया और वो उसके ऊपर सेव ना हो, बाद में भी अगर कंट्रोल यस दबाएंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जहां पर आप फाइल रखे हुए रहेंगे वो जो भी आपने वर्क किया उसी पर जाकर के ओवरराइट होगा और वही उसी फाइल पर जाकर के वो सेव हो जाएगा रिन्यू हो करके। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने अब जो भी चेंजिंग किया वो अलग सेव करना चाहते हैं तो उस वक्त जो है कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस यस करके, यानी फिर आपको सेव एस पर क्लिक करना होगा, यानी कि आप ये फाइल मेनू में देख सकते हैं, यहां पर इस पर क्लिक करना होगा। तो दोबारा से फिर आपको जो है वो डायलॉग बॉक्स मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए कि आपको ये फाइल कहां पर सेव करनी है और किस नाम से सेव करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है ये प्रिंट के लिए ऑप्शन है, आपने कुछ भी वर्क किया और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन आप जो है यूज करेंगे, ये बटन यूज करेंगे। यहां से जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रिंटिंग के लिए ऑप्शन खुल करके आएगा, सेटिंग के लिए। अगर प्रिंटर आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल है तो वो प्रिंटर यहां पर सेलेक्ट करना होगा आपको यहां से, और उसके बाद बाकी सेटिंग्स वगैरह करके आपको प्रिंट करना होगा। इसके बारे में हम नहीं समझेंगे, हम आगे जब प्रिंट करना होगा तब जाकर के इसके बारे में समझेंगे, अभी हम सिर्फ ऑप्शंस के बारे में समझ रहे हैं। और यही ऑप्शन जो है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी से भी जो है आप उसी ऑप्शन पे आ सकते हैं, और यही ऑप्शन जो आपको मिलेगा फाइल के अंदर जब नीचे आएंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, कट और ये कॉपी और ये जो है पेस्ट। ये तीनों ऑप्शन आपको यहां पर एडिट में मिलने वाले हैं, जो आप ये देख सकते हैं, कट कॉपी एंड ये पेस्ट। तो आप यहां एडिट से भी इन तीनों को यूज कर सकते हैं और यहां बटन से भी यूज कर सकते हैं और इसके शॉर्टकट की से भी आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। इनका जो शॉर्टकट की होता है वो सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए एक ही होता है, कॉमन होता है कि कोई भी चीज कट करने के लिए जो है आपको फर्स्ट बटन मिलेगा और उसके बाद जो है कॉपी है। तो कट के लिए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है और ये आपको एडिट में भी मिल जाएगा, और कॉपी के लिए जो है कंट्रोल सी है, यानी बिल्कुल उठाना है ऑब्जेक्ट को वहां से, कट कर लेना है तो कंट्रोल एक्स और कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, और वहीं पर जहां पर भी आपको ले जाकर के पेस्ट करना है वहां के लिए आपको कंट्रोल प्लस वी करना होगा, या फिर एडिट में आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर इसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी, जैसा कि मैंने बताया अभी। तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहां पर है अंडो, आप कोई भी वर्क आगे करते जा रहे हैं और कुछ गलत हो गया तो आप वापस बैक आने की कोशिश करते हैं तो आप यहां से अंडो बटन प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा आगे लिया, इस तरीके से हमने आगे लिया, फिर थोड़ा सा आगे लिया, लेकिन हमें लगता है कि ये पहले वाला पोजीशन ही सही था, तो अगर हम अंदाजे से लेकर के जाएंगे तो हमें पहले वाला पोजीशन का आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ था, तो हमें कंट्रोल जेड जब हम करेंगे तो वन बाई वन उसी रेशियो में बैक जाएगा जितनी बार हम इसको आगे पीछे किए होंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, एक बार हमने क्लिक किया पिछले कंडीशन में गया, फिर दोबारा क्लिक किया उससे भी पिछले, फिर हमने क्लिक किया उससे भी पिछला, तो स्टेप बाय स्टेप ये बैक आएगा। और उसके बाद जो है रेडो, रेडो क्या करेगा कि जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बैक आए हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं हमें फिर बैक वापस उसी पोजीशन में जाना है तो रेडो करेंगे, तो वन बाय वन जैसे बैक आएगा तो रेडो में वन बाय वन कहकर फिर जो है आगे की तरफ जाएगा। तो ये बैक एंड नेक्स्ट इस तरीके से जो है आगे पीछे करने के लिए अंडो और रीडो आता है। और डायरेक्ट कोई पोजीशन आपको याद है तो आप यहां से स्क्रॉल डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर वो सारे पोजीशन रिकॉर्ड होते चले जाते हैं, डायरेक्ट आप क्लिक करके वहां तक जा सकते हैं। जैसे ये रेडो में आप देख सकते हैं तीन स्टेप जो है हम आगे की तरफ गए हुए हैं, तो आप यहां से डायरेक्ट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और इन दोनों का आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप जब एडिट में जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये अंडो के लिए कंट्रोल जेड और रेडो के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, तो आप इसे भी जो है यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस जेड हमने किया बैक में आया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड करेंगे तो वापस जो है उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो कंट्रोल प्लस जेड करते जाएंगे तो वन बाई वन करके आप बैक चलते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है सर्च कंटेंट, इसे हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे, ये चीजें यहां पर समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों ऑप्शन आपको फाइल मेनू के अंदर मिल जाएंगे, यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई है, और एक्सपोर्ट का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई है। ये आप ध्यान रखेंगे एक्चुअली इन दोनों का यूज कब होता है, जैसे जब आप सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए इस फाइल को जब आप सेव करते हैं, हमने कंट्रोल प्लस एस किया तो सेव करने के लिए यहां पर अलग अलग टाइप्स फॉर्मेट आपको मिलेंगे इस तरीके का, जिसके अंदर आपको
जो भी फाइलें हैं वो कोरल के ही किसी न किसी सॉफ्टवेयर में खुलने के लिए आप जो है फॉर्मेट में बदल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर पीडीएफ मिल सकता है जनरली आपको। और बाकी कोरल ड्रा में खोलना है तो सीडीआर फाइल में आपको जो है सेव करना होता है। बाकी जितने भी हैं सब के सब लगभग लगभग कोरल ड्रॉ के अंदर ही या फिर कोरल के किसी न किसी सॉफ्टवेयर में वो ओपन होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो ड्राइंग जो भी आपने बनाया आप उसको जेपीजी या फिर पीएनजी वगैरह में सेव करना चाहते हैं और उसको कहीं पर भी सेंड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ सेव में आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना होगा आप, तो एक्चुअली क्या होगा कि जब आप जेपीजी वगैरह में सेव करना है जो भी आपने ड्राइंग वगैरह बनाया या फिर पीएनजी में सेव करना है, तो क्या करना होगा उस वक्त, उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तब आपको ये सारे के सारे फॉर्मेट ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये फाइल हमको, ये ड्राइंग जो भी हमने बनाया इसे हम जेपीजी या फिर पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट पे जाना होगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट है, या फिर इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होने के लिए ऑप्शन आपको खुल करके आएगा, और यहाँ पर सेव का ये जो फाइल नेम दे सकते हैं कि उसका किस नाम से सेव होगा और कहाँ रखना है, वो चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएगा कि आप किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर आप उसे जो है सेव करना चाहते हैं इस तरीके से। उसके नीचे जो है यहाँ पर फाइल नेम आपको देना होगा, और उसके नीचे जो है यहाँ पर सेव एज टाइप यानी कि किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं पर पीएनजी सेलेक्ट है ऑलरेडी पहले से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको जेपीजी भी मिल जाएगा, ये जेपीजी रहा, और यहाँ पर पीडीएफ वगैरह पीएनजी सब कुछ आपको फॉर्मेट मिल जाएगा जो आपके लिए सेव के अंदर नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से ये सारे फॉर्मेट आपको यूज़ होते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला फॉर्मेट है वो है पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए हमें पीएनजी पर सेलेक्ट करना, पीएनजी सेलेक्ट किया और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो उस फॉर्मेट में जाकर के सेव हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और एज इट इज आप उसको कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो ये तो रहा कि आप जो है एक्सपोर्ट करने के लिए। अब कोरल ड्रॉ के अंदर कोई भी इमेज आप ओपन करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो कोरल ड्रॉ में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई भी फाइल हमको लेकर के आ रही है, जैसे इमेज फाइल लेकर के आनी है तो यहां पर ओपन करेंगे, जैसे ओपन पर जाकर के कोई भी इमेज सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो जो इमेज है वो कोरल ड्रा के अंदर नहीं आएगी। कोई भी जेपीजी या फिर पीएनजी इमेजेस वगैरह है तो उसे हमें कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप यहां से ये इंपोर्ट बटन यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस कर सकते हैं, या फिर फाइल मेनू में के अंदर जो है ये इंपोर्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से कोई भी इमेज अगर आपको लेकर के आनी है, जैसे इस तरीके की इमेज है, कोई भी इमेज आप लेकर के आना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो माउस पॉइंटर इस तरीके का शक्ल ले लेगा, उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक रखते हुए आप ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से जो है वो इमेज का साइज आ जाएगा, और इस तरीके से जो है आपको इंपोर्ट करना होगा। फाइल में ओपन करेंगे तो इमेज ओपन नहीं होगा। तो ये तो था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद है पीडीएफ। जो भी आपने ड्राइंग बनाया, जैसे बुक वगैरह आपने लिखा, कई सारे पेज का आपने कोई भी ड्राइंग्स वगैरह बनाए या फिर कोई भी नोट्स वगैरह आपने लिखा और आप चाहते हैं कि वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें कहीं पर भी सेंड करना है, ईमेल वगैरह करना है, या फिर ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि वो बाद में कोई चेंजिंग वगैरह उसके अंदर ना हो पाए, तो हम यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप इस यहाँ से पीडीएफ पर प्रेस करेंगे तो उसके बाद सेव के लिए ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू यानी पब्लिश टू, तो आप उसको जो है नाम देने के बाद जो है सेव कर देंगे तो वो जो है आपकी कंप्लीटली फाइल जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है ये है जूम लेवल, यानी कि जो लुक यहाँ पर दिखाई दे रहा है जूम का, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 feet कर दें तो जो भी आप ड्राइंग बनाए रखेंगे उसके ऊपर वो जो है कंप्लीटली फिट स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके नीचे जो है टू पेज, जो पेज होगा वो बिल्कुल फिट आ जाएगा बिल्कुल स्क्रीन पर, यानी कि कोरल ड्रा के अंदर बिल्कुल पेज दिखाई देगा। और उसके बाद जो है उसके नीचे टू विड्थ, यानी कि जो भी फाइल ओपन किए रहेंगे जो पेज का साइज होगा उसकी विड्थ बिल्कुल जो है लेफ्ट टू राइट बिल्कुल भी बराबर हो जाएगी इस तरीके का। आप देख सकते हैं यहां से लेकर के और यहां तक बिल्कुल जो है विड्थ कवर कर गया। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वो है टू हाइट,
ये जो है हाइट को मेंटेन करेगा ऊपर से लेकर के डाउन तक, बिल्कुल हाइट को मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद जो है ये परसेंटेज है कि आपको कितना परसेंटेज में देखना है, कितना सही लग रहा है। जैसे हम 100% करते हैं तो 100% में आपको ये साइज मिलेगा। और उसके बाद जूम के लिए जो है मैं एक और बात बताना चाहूँगा, कोरल ड्रा के अंदर बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है कि आप जो है माउस के स्क्रॉल बटन को जब जो है जहाँ पर भी रख करके आप स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे तो ये जो है जूम इन और जूम आउट होगा, एक तरफ जूम इन होगा और एक तरफ जूम आउट होगा। तो ये माउस कर्सर जहां होगा उस एरिया को फिक्स रख करके बाकी एरिया को जो है लेकर के हटता है। जहां पर आपका माउस कर्सर होगा वो फिक्स होगा वहीं पर। जैसे अगर हम यहां पर सेंटर पॉइंट में रखते हैं और इसको जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही है स्थान और ये चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम यहां पर रखते हैं तो ये पॉइंट, ये जो पोजीशन है ये यहीं पर रहेगा और बाकी एरिया जो है जूम होकर के आगे चला जाएगा। इस तरीके से ये ऑप्शन कोरल ड्रा के अंदर बहुत ही बेहतर साबित होता है। बाकी जब जूम टूल को समझेंगे तो बाकी सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और उसके बाद जो है ये है फुल स्क्रीन, जिसका शॉर्टकट की है F9। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम कोई भी ड्राइंग बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल फुल स्क्रीन पर होकर के दिखाई दे, तो उसके लिए हम F9 को भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से जब हम इसे प्रेस करेंगे तो बिल्कुल फुल स्क्रीन पर सारे ऑप्शंस हट जाएंगे और बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट जो है आपके सामने दिखाई देगा, वो पेज आपके सामने दिखाई देगा। अगर उसको सेलेक्ट किए हुए रहेंगे तो वो सिलेक्शन किया हुआ ऑब्जेक्ट ही पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा। और उसके बाद इससे जो है हटाने के लिए आप कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, दोबारा से आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये सो रूलर है, जो ये रूलर दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो आप इसे इस पर क्लिक कर देंगे तो रूलर हट जाएगा। अगर जरूरत नहीं है तो, जरूरत है तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो रूलर आ जाएगा। उसके बाद जो है ये ग्रिड लाइन है, सो ग्रिड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रिड आ जाएगा। अगर आपको क्रिटिकली कोई ड्राइंग्स वगैरह बनाना है जिसके अंदर आपको ग्रिड की जरूरत है तो आप जो है ये ग्रिड लाइन एक्टिवेट कर सकते हैं। और बाकी इसके अंदर सेटिंग्स भी होती है, हम उसको बाद में देखेंगे। अगर नहीं चाहिए तो दोबारा आप इस पर क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा। और उसके बाद है सो गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी डिज़ाइन है, हमें लाइन से रखना है। एक हमने यहाँ पर किया और इसी का जो है हम एक डुप्लीकेट बनाते हैं, Ctrl+C+V, हमने डुप्लीकेट लिया। डुप्लीकेट के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। और इसको हम जो है बिल्कुल इसके बराबर साइज में रखना चाहते हैं, यानी कि कोई ऊपर नीचे ना हो, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे अंदाजे में रखेंगे तो ज़रूर ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गाइडलाइन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो रूलर है, रूलर में यहाँ पर क्लिक करते हुए हम लेफ्ट बटन को क्लिक रखते हुए जब ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो ये गाइडलाइन आएगी इस तरीके का, और हम इसे यहाँ रख देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे और ये गाइडलाइन आपको मिल जाती है। अब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इसको कहीं पर भी रखेंगे तो हम बिल्कुल सेम हाइट पर इसको मैच करा करके रख सकते हैं। और ये गाइडलाइन ये हॉरिजेंटली है, हम वर्टिकली भी ले सकते हैं। इधर से ला करके अगर हमें वर्टिकली कोई चीज़ सेट करनी है तो यहाँ से ऐसे हम सेट करेंगे और यहाँ ला करके बिल्कुल जो है हम किसी भी पोजीशन में बिल्कुल मिला करके हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। तो इसलिए गाइडलाइन होता है। अगर सो करना है तो आप इस पर क्लिक करके रखेंगे, नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये गाइडलाइन हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है स्नैप टू है, इसको हम आगे समझेंगे। और उसके बाद जो है ज़रूरी ऑप्शन, ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस जितने हैं उसको जो है अलाउ एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए, जैसे टेक्स्ट वगैरह के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस चाहिए वो सारे ऑप्शंस यहाँ से जो है एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं और काफ़ी सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम इसे नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ऑप्शंस को समझ लेते हैं। जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको समझेंगे, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देते हैं, हमारे लिए वर्क करने के लिए एक्सेस होता है। बाकी कहीं पर ज़रूरत हमें पड़ती है जो हम आगे हम बात करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद कोई भी फाइल है, कोई भी ऑप्शन है, कोई भी ड्राइंग है, आप उस पर काम कर रहे हैं और डायरेक्ट आप चाहते हैं कि उस फाइल को लेकर के डायरेक्ट जो है आप जाना चाहते हैं कोरल फोटो पेंट में या कोरल के ही अदर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप जो है यहाँ से जब इस पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रा के अंदर, कोरल ड्रा के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। क्योंकि इसके अंदर जो है हमने कस्टम में जा करके इंस्टॉल करते समय कोरल ड्रा के बाकी सारे सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत नहीं थी तो उसे हमने डीएक्टिवेट कर दिया था, उसको हमने नहीं लिया था, अनचेक कर दिया था। तो आप भी जब इंस्टॉल करेंगे तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाकी सारे सॉफ्टवेयर की कोरल ड्रा की,
चूंकि हमें भी जरूरत नहीं थी, तो आप उसको अनचेक कर दें, नहीं तो क्या होगा, हार्ड डिस्क का स्पेस बढ़ेगा फालतू में जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वहां से हमने सिर्फ कोरल ड्रॉ को सेलेक्ट किया था जो कोरल ड्रा है। अगर वहां से आपने सभी को लिया होता तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कोरल ड्रा के यहां पर दिखाई देते। तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो है आप अपने उस ड्रॉइंग को लेकर के उसके अंदर चले जाएंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और वहां पर जो भी करेक्शन करना होगा वो करने के बाद उसको क्लोज करेंगे तो फिर वहां से जो है आप यहां पर डायरेक्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके के जो है ऑप्शंस यहां पर काफी सारे जरूरी ऑप्शंस थे जिनको हम लोगों ने समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।